नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जांगड़ा। वेलकम ऑन माय चैनल फॉर यू डिजाइनर्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल। दोस्तों, इस कलर रिप्लेसमेंट टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इजीली जो कलर भी आप चाहें वो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अपना कोई भी कलर उसके ऊपर कर सकते हैं। यदि हम किसी भी ड्रेस के ऊपर कलर करते हैं, और कई बार ये ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो उनमें कलर रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर इस टूल की हेल्प से ये काम चुटकियों में हो जाता है। उसी तरह से जैसे वाटर कलर डिजाइन होते हैं जिनमें हम मोटिव्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते इजली, तो वहाँ पे भी हम कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज करके उन्हें कलर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कलर रिप्लेसमेंट कैसे होती है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे इस ब्रश टूल वाले ऑप्शन में ही, तीसरे नंबर पे ये हमें मिल जाता है, ये है कलर रिप्लेसमेंट टूल। आप चाहें तो बी प्रेस करके भी इसे यहाँ से ले सकते हैं। जैसे एक बार हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बी प्रेस करने पे ये देखिए, ये टूल अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस काम आता है। ये देखिए, ये अभी मैंने जो कलर रिप्लेसमेंट टूल सिलेक्ट किया है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आता है, और इसके अंदर सेंटर में जो हमें पॉइंट नजर आता है प्लस का, ये इसका मेन पॉइंट होता है। ये देखिए, अब मैं इसमें कलर रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इजीली किसी भी जगह पे अपना कलर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, जस्ट मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ और ये कलर मेरा चेंज होता जा रहा है। आप जैसे भी इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, ये प्रॉपर ये कलर को रिप्लेस कर देगा। तो इसका ये जो प्लस का पॉइंट है, ये जिस भी एरिया में आपको कलर फिल करना है, ये उसके अंदर ही रहना चाहिए। ये देखिए, ये इसके अंदर है और ये उसमें कलर चेंज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अभी अंडू करता हूँ मैं, और अगर मैं इसे इस तरह से बाहर भी चलाऊँगा, ये बाहर भी कलर कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ही से चलाना है ताकि ये इसमें कलर फिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें चलते हैं इसके ऑप्शन बार पे। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यहाँ से इसकी सेटिंग होती है। इसमें से आप चाहें तो इस टूल को रीसेट भी कर सकते हैं, अगर आपने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिए हों तो आप रीसेट ऑल टूल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, रीसेट टूल पर रीसेट भी कर सकते हैं। और इस आइकन पर क्लिक करने पर आगे हमें ये विंडो मिलती है। दोस्तों, इससे हम ब्रश का साइज कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ब्रश की हार्डनेस और स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस विंडो में जो ब्रश टूल में मैंने आपको पहले सिखाया था, वही सेम इस विंडो में दिया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो उसके लिए आप देखिए जो ब्रश टूल की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस तरह की सेटिंग्स जो कि हर ब्रश टूल में सेम ही होती है, उनको डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे इसमें हमें मिलता है मोड। मोड में ये देखिए, हमें इसमें कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड ल्यूमिनोसिटी। ये देखिए, मैंने ह्यू सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ह्यू सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ इमेज पे और यहाँ से इसमें कलर चेंज करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ह्यू से क्या होता है, ह्यू सिर्फ बेसिक कलर्स में ही चेंज करता है, ये किसी भी कलर की ब्राइटनेस और सैचुरेशन को चेंज नहीं करता, ये उसको बनाए रखता है। तो अभी मैं इसे अंडू कर देता हूँ, और ये देखिए जो इसमें लाइनिंग यहाँ पर आई हुई है, ये इस स्पेसिंग की वजह से है। राइट क्लिक करके मैंने ये ओपन किया है, अगर इसको मैं 1% कर दूंगा तो ये देखिए, ये एकदम से इक्वल ही काम करेगा। इसमें ये स्टार्टिंग में ऐसे ब्राइट और बाद में एकदम से डल होता चला जाता है। अभी मैं इसे अंडू कर देता हूँ, और ह्यू के बाद हमें मिलता है सैचुरेशन। तो दोस्तों, सैचुरेशन से क्या होता है, सैचुरेशन जो कलर आपने यहाँ पे लिया है, देखिए ये कलर पिकर विंडो में जो मैंने कलर लिया है, अभी मैंने रेड लिया है यहाँ पे, और मेरी इमेज में ब्लू कलर है, ये क्या करेगा, इन दोनों के ही ब्राइट कलर, यानी जब मैं इस ब्लू के ऊपर इसको देखिए, मैं रेड कलर ही मैंने लिया है, इस ब्लू के ऊपर इसको ऐसे रिप्लेस करूँगा,
तो ये ब्लू का ब्राइट और रेड का ब्राइट दोनों को मिक्स करके वो कलर यहाँ पे बना के इस तरह से कलर रिप्लेस करेगा। तो ये सेचुरेशन से होता है। अभी अंडू कर देता हूँ मैं इसे। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें हमें मिलता है कलर। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ ये ऑप्शन ही किया जाता है कलर रिप्लेस करने के लिए। इसमें आप देखिए, जैसे ये मैंने अभी रेड लिया है और इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस करने जाता हूँ, तो इसमें किसी भी तरह की शेडिंग नहीं आती और ये प्रॉपर कलर रिप्लेस कर देता है। ये देखिए हर एरिया में ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से आप कलर का यूज़ करके कलर रिप्लेस कर सकते हैं। और इस तरह से जो ये रह जाता है कुछ एरिया, ये टॉलरेंस से होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। कलर के बाद हमें मिलता है ल्यूमिनिसिटी। तो दोस्तों ल्यूमिनिसिटी से क्या होता है, ये लाइट एरिया में कलर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। जैसे अब देखिए मैं इस डार्क एरिया पे कलर करूँगा, ये देखिए ये सेम ऐसा ही इसी का डार्क ब्लू बना रहा है, पर पिकर विंडो में रेड सिलेक्ट है और इसको जब मैं लाइट एरिया में यानी यहाँ पे इस लाइट एरिया में यूज़ करूँगा, ये देखिए इसने क्या किया, जो लाइट कलर मेरा है और कलर पिकर विंडो में जो मेरा रेड कलर है उन दोनों का ही डार्क कलर मिक्स करके यहाँ पे बना दिया। तो ल्यूमिनिसिटी डार्क कलर के लिए यूज़ में लाया जाता है, पर इसका यूज़ लाइट एरिया पे किया जाता है, यानी जहाँ पे मेरा लाइट कलर यूज़ होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो दोबारा मैं इसमें अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही ऑप्शन किया जाता है। और अब इसमें चलते हैं आगे। आगे इसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। तो सैम्पलिंग कंटिन्यूअस से क्या होता है, ये देखिए सैम्पलिंग कंटिन्यूअस अभी मेरा सिलेक्ट ही है और इसे मैं अंडू कर देता हूँ। ये देखिए अभी जो रेड कलर मैंने लिया हुआ था और ये देखिए मैं उसका यूज़ करता हूँ, ये रेगुलर इसको कलर कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको किसी और कलर पे भी यूज़ करता हूँ, ये देखिए ये हर कलर पे काम करेगा, चाहे वो मेरा वाइट एरिया हो डार्क एरिया हो। इसे आप जहाँ भी ड्रैग करेंगे ये उन सब एरियाज में कलर रिप्लेस कर देगा। ये देखिए इसे जहाँ भी मैं ड्रैग करूँगा ये उन सब जगह कलर रिप्लेस कर रहा है। पर अगर आपको इसी के साथ कहीं भी कलर रिप्लेस करना है, तो जैसे ये मेरा प्लस का जो पॉइंट है ये उस कलर के अंदर ही होना चाहिए जिस जगह आपको कलर रिप्लेस करना है, तो ये इजीली उस एरिया को सिलेक्ट करके उसमें कलर रिप्लेस कर देता है इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है सैम्पलिंग वंस। सैम्पलिंग वंस का मतलब है कि ये देखिए जैसे अभी मैं इस ब्लू एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस ब्लू एरिया पे ही अब काम करेगा, ये इससे बाहर ये देखिए मैं कहीं भी लेके जाऊँ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ब्लू एरिया इसका सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए जिस कलर टोन पे आपने क्लिक किया था ये उससे मिलती जुलती हर तरह की टोन्स पे कलर फिल कर देगा। अगर कोई कलर इसको उससे ज़्यादा आउट लगेगा तो ये उस पे काम नहीं करेगा। ये देखिए तो इस तरह से आप सैम्पलिंग वंस का भी यूज कर सकते हैं और इजीली कलर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये देखिए जो ये एरिया बच गया है इस पे हम इस तरह से दोबारा क्लिक करेंगे। तो अभी इसे अंडू कर देता हूँ मैं और अब चलते हैं आगे। तो आगे इसमें हमें मिलता है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। और ये देखिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कलर हमें रिप्लेस करना है वो इस कलर पिकर विंडो में हम लेंगे, जैसे कि अभी मैंने ये रेड कलर लिया है, इसे ओके करते हैं। और इसके इस बैकग्राउंड में जो कलर हमें रिप्लेस करना है हम उसको लेंगे, जैसे इस ब्लू कलर को हमें रिप्लेस करना है, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये मेरा ब्लू कलर सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कलर को रिप्लेस करते हैं। ये देखिए इससे बाहर भी मैं जहाँ भी चलाऊँगा ये उस पर वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके अंदर ही कलर फील करेगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है इससे कोई भी कलर सिलेक्ट करना और उसमें कलर रिप्लेस करना। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे हमें इसमें मिलती हैं लिमिट्स, और लिमिट्स में ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे हमें
तीन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला है डिसकॉन्टिग्यूस, तो डिसकॉन्टिग्यूस सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस जगह हम इसका यूज़ करके देखते हैं डिसकॉन्टिग्यूस का। ये देखिए ये मैं कलर फिल करने के लिए जाता हूँ और मेरा प्लस का पॉइंट देखिए फिंगर से पीछे ही है और इसके बाद भी इसने फिंगर से आगे कलर फिल कर दिया क्योंकि मेरा ब्लू कलर जो था वो फिंगर की वजह से यहाँ पे ब्रेक था। और ये देखिए मेरा प्लस का पॉइंट यहाँ तक था पर इसने कलर यहाँ तक फिल कर दिया, ये डिसकॉन्टिग्यूस की वजह से है। तो दोस्तों अब देखते हैं कॉन्टिग्यूस किस तरह से काम करता है। ये देखिए मैं यहाँ से कलर रिप्लेस करने जाता हूँ और प्लस का साइन इस फिंगर से पीछे ही है पर फिंगर के बाद ये कलर नहीं आया क्योंकि इस फिंगर ने इस कलर को ब्रेक कर दिया, जो ब्लू कलर था इसको ब्रेक कर दिया और फिंगर के बाद इसे आने से रोक लिया। इस फिंगर की वजह से ये ब्लू कलर ब्रेक हो गया है। तो इस तरह से डिसकंटिग्यूस से अगर कलर कहीं पे ब्रेक है ये उसके बाद भी काम करता है और कंटिन्यूस से अगर बीच में कलर किसी भी वजह से ब्रेक हो जाता है और हम उससे पीछे ही उसका यूज करते हैं तो वो ब्रेक हुई जगह से आगे कलर फिल नहीं करता। तो इस तरह से कॉन्टिग्यूस काम करता है। आगे इसमें हमें मिलता है फाइंड एज। फाइंड एज क्या होता है इसे अंडू करता हूँ पहले। दोस्तों इसके नाम से ही आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि फाइंड एज क्या होता है। तो दोस्तों फाइंड एज से क्या होता है ये देखिए, जैसे ही मैं इस कलर के एज पे इसे चलाऊंगा ये देखिए इसके एज को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है और अंदर आते ही ये इसमें प्रॉपर कलर फिल कर देता है। ये देखिए इसके एज के साथ साथ ये काम करेगा। ये जैसे ही मैं इसके एज पे चलाऊंगा ये इसके एज को पहचानना शुरू कर देता है और उसको सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर देता है। तो इस तरह से फाइंड एज काम करता है। तो दोस्तों अभी मैं इसमें रखता हूँ कॉन्टिग्यूस, इसे अंडू कर देता हूँ। आगे इसमें हमें मिलता है टॉलरेंस। तो दोस्तों ये भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ये देखिए इस कलर में मैं जब इसको रिप्लेस करने जाता हूँ अभी टॉलरेंस मेरा 33% है और इसके इस एजेस देखिए आप, कुछ कुछ ब्लू एजेस जो कलर रिप्लेस हुए बिना रह गए हैं। तो दोस्तों अब टॉलरेंस हम 50 करते हैं पहले और अब इसका यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे एजेस पे। ये देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू एरिया इसने कवर कर लिया है इसके एज में और ब्लू पिक्सल बहुत ही कम बचे हैं। और इसे अंडू करता हूँ मैं और अब टॉलरेंस बढ़ा के हम करते हैं 80 के आसपास। दोस्तों जितना ज़्यादा टॉलरेंस हम बढ़ाएंगे ये उतने ही ज़्यादा पिक्सल्स पे कलर फिल कर पाएगा इजिली। और देखिए 82 करने पे ये ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा और अब आप देखिए जो ब्लू एरिया यानी ब्लू पिक्सल्स हमें जो दिखाई दे रहे थे अब वो कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुके हैं यानी रिप्लेस हो चुके हैं रेड कलर में। और दोस्तों आप चाहें तो टॉलरेंस इसमें 35 ही रहने दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है। अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ। तो दोस्तों टॉलरेंस में एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, ये देखिए अभी जो मैं आपको पहले बताने वाला था ये जैसे ही मैं इसमें कलर रिप्लेस करता हूँ ये देखिए दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ एरिया इस तरह से जो बच गया है वो आप टॉलरेंस बढ़ा के इसको बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने अभी 80 ले लिया है, इसे अंडू करता हूँ और ये देखिए अब इसे यूज़ करेंगे हम और ये देखिए ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और इसको अब 100% करेंगे हम और ये देखिए अब ये बिल्कुल ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अब इसमें किसी भी तरह की लाइनिंग हमें नज़र नहीं आ रही है। अभी मैं दोबारा इसे 35 ही कर देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है और इसे करता हूँ मैं यहाँ से अंडू। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें हमें मिलता है एंटी एलियस। एंटी एलियस यानी किसी भी इमेज में जो उसके एज पे ये देखिए जो ये पिक्सल्स हमें दिखाई देते हैं इस तरह से, जो हमारी इमेज ये पिक्सलेटेड होती है ये एंटी एलियस की वजह से होती है। ये देखिए मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए अभी मेरा एंटी एलियस पे यहाँ पे टिक है और ये देखिए मैं ब्रश चला रहा हूँ अपनी और इसके एज देखिए आप, ये एकदम से ऐसे पिक्सलेटेड आए हैं। और इसे अगर मैं यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ और आप देखिए अब इसके एज इस तरह से हार्ड आए हैं,
ये एंटी एलियस की वजह से होता है, और अगर वो मेरी इमेज इस तरह से पिक्सेलेटेड है और उसमें मुझे कलर रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे एंटी एलियस ऑन रखूँगा, ये देखिए, और उसमें ये प्रॉपर कलर रिप्लेस कर पाएगा। और अगर मेरी इमेज हार्ड है, ये पिक्सेलेटेड नहीं है, तो मैं वहाँ पे अनटिक करूँगा और इस तरह से वहाँ पे कलर रिप्लेस कर सकता हूँ। अभी मैं इस पे टिक कर देता हूँ और इसे करता हूँ अंडू। तो दोस्तों ये थे इसमें ऑप्शंस जिनका आप यूज़ करके कलर रिप्लेस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इस इमेज में ये रेड कलर फिल करके देखता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे सैम्पलिंग कंटिन्यूस सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए, कलर रिप्लेस करने के लिए इसमें जाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इससे कितना जल्दी आप कोई भी कलर रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप इससे काफ़ी ऐसी ड्राइंग जैसे वाटर कलर ड्राइंग जिनमें कलर करना इजी नहीं होता, इस टूल की हेल्प से उनमें इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। ये था कलर रिप्लेसमेंट टूल। आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आप कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं और चुटकियों में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कलर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।